नमस्कार हिमाचल, तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव महानाटी में धाटू और पट्टू में कुल्लू जिले की 8000 से अधिक महिलाएं होंगी शामिल। 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के तीसरे दिन 7 अक्टूबर को महानाटी का आयोजन किया जाएगा। रथ मैदान में जिले की करीब 8000 महिलाएं धाटू पट्टू और अन्य पारंपरिक परिधानों में सजकर भाग लेंगी। वहीं यह निर्णय आज देवसदन में दशहरा उत्सव को लेकर हुई बैठक में लिया गया। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना के चलते 2 साल तक अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में सांस्कृतिक संध्याओं के साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियाँ नहीं हो सकी थी। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कुल्लू की नाटी 3 साल बाद रथ मैदान में होगी। वायरल एमएमएस केस आरोपी छात्रा और युवक की रोहडू में हुई थी दोस्ती, लंबे समय से थे संपर्क में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं के वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपी छात्रा और युवक सन्नी की दोस्ती शिमला के रोहडू में हुई थी। लंबे समय से वे फोन से एक दूसरे के संपर्क में थे। पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिर सन्नी को ऐसे वीडियो छात्रा क्यों भेजती थी। दोनों में दोस्ती ही है या छात्रा को युवक ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था। हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं युवक रोहडू में बेकरी की दुकान पर कार्य करता था। पंजाब पुलिस पिछले कल रात को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट में दिल्ली शिमला उड़ान का सफल ट्रायल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट में आज दिल्ली शिमला उड़ान का सफल ट्रायल कर लिया गया है। अब केंद्रीय नगर विमानन महानिदेशालय DGCA से उड़ानों की मंजूरी लेने के बाद यह सेवा 26 सितंबर से आरंभ कर दी जाएगी। वहीं यात्रियों को पूरे सप्ताह दिल्ली शिमला और शिमला दिल्ली की नियमित हवाई सेवाएं मिलेंगी। वर्ष 2020 के बाद शिमला दिल्ली की हवाई उड़ानें बंद थी और अब इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है। निरमंड के किंदला में 2 मंजिला मकान में भड़की आग, 2 लाख रुपए का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के निरमंड उपमंडल के किंदला गांव में एक मकान में आग लग गई। आग से करीब 2 लाख रुपए के नुकसान होने की सूचना है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू किया गया। जानकारी के अनुसार आग लालचंद पुत्र स्वर्गीय सेवाराम गांव किंदला निरमंड के घर में लगी। कोटली में एक मंच पर सीएम जयराम ठाकुर और विधायक अनिल शर्मा समर्थकों ने लगाए जिंदाबाद के नारे। कोटली मंडी में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75वें वर्ष समारोह में सीएम जयराम ठाकुर व सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा एक मंच पर नजर आए। विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री काफ़ी लेट हो चुके हैं, इसलिए सबका नाम नहीं ले सकूंगा। मुख्यमंत्री जयराम का आभार जताते हुए कहा कि मुझसे पहले पंडित सुखराम सीएम नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया है, सड़कों का जाल बिछाया है। कुछ नेता आते हैं जाते हैं, हम सौभाग्यशील हैं कि पंडित सुखराम ने यहाँ से विकास की गाथा लिखना शुरू की। पूरे देश में दूर संचार का नेटवर्क बिछाया, यहाँ हम पैदल आया करते थे। 3 पशु चिकित्सालय थे, स्कूल अपग्रेड हुए, आप लोगों ने साथ दिया, उसके बावजूद मैंने विकास का साथ दिया। सड़क हादसे में घायल पर्यटक को हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ किया लिफ्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला अस्पताल कुल्लू में इलाज के लिए दाखिल विदेशी नागरिक को ढालपुर मैदान से हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ के लिए लिफ्ट किया गया। वह मंडी मनाली हाईवे पर बनाला के पास पिछले कल सड़क हादसे में घायल हो गया था। बाइक में सवार विदेशी की मंडी के बनाला के पास एक जीप से टक्कर हो गई थी। घायल होने पर उन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। वहीं इसराइल के नागरिक 26 वर्षीय एल्ड कोरेश की हालत गंभीर होने के कारण उसे चिकित्सकों ने चंडीगढ़ रेफर किया। दिन दिहाड़े घर के ताले तोड़ उड़ा लिया 12 तोले सोना, लोगों में दहशत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुवाड़ी क्षेत्र में एक घर में दिन दिहाड़े चोरी करने का मामला सामने आया है।
इस घटना में लाखों रुपए के गहने चोरी हुए हैं। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में रहने वाली ललिता देवी पत्नी वेद प्रकाश ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत में कहा कि पिछले कल वह सुबह 10 बजे अपने पति के साथ खन्नी स्थित मंदिर गई थी। उसके बाद जब शाम करीब 5 बजे वे लौटे तो मेन गेट खुला हुआ मिला, वहीं घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया गया। वहीं जब दंपति ने अंदर जाकर देखा तो अलमारी खुली हुई मिली तथा घर का सामान बिखरा हुआ था। घर से करीब 12 तोले सोना भी गायब पाया गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल में टेट का परिणाम घोषित, टीजीटी नॉन मेडिकल में 90% अभ्यर्थी फेल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड की ओर से घोषित किए गए परिणाम में टीजीटी नॉन मेडिकल में 90% अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। पंजाबी विषय की अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम 6.92% रहा है। यह अन्य विषयों की अपेक्षा सबसे कम है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि बोर्ड ने 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा जुलाई अगस्त माह में करवाई थी। इस दौरान 48,345 अभ्यर्थियों को रोल नंबर जारी किए गए थे। इसके अलावा बात करें तो परीक्षा में 44,142 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। 11,415 अभ्यर्थियों को सफलता हाथ लगी है। जेबीटी की अध्यापक पात्रता परीक्षा में 7,888 अभ्यर्थी बैठे थे, जिनमें से 3,053 को सफलता हाथ लगी है। शास्त्री टेट में 1,829 में से 571, टीजीटी नॉन मेडिकल में 7,293 में से 729, भाषा अध्यापक के 4,441 अभ्यर्थियों में से 1,563 अभ्यर्थी पास हुए हैं। शिक्षा विभाग को मिले 24 नए टीजीटी, 15 दिन के भीतर देनी होगी ज्वाइनिंग। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में स्पोर्ट्स कोटे से 24 टीजीटी को नियुक्ति दी गई है। निदेशक वीरेंद्र शर्मा की ओर से इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। अनुबंध आधार पर स्कूलों में इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। आम आदमी पार्टी के 3 पदाधिकारियों ने थामा हिमाचल कांग्रेस का हाथ। आम आदमी पार्टी के 3 पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आज धर्मपुर से आपके प्रदेश सचिव और प्रवक्ता सुरेंद्र बंधु, सिराज से संतराम और लाहौल स्पीति से विक्टर दिशा ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से नई दिल्ली में मुलाकात कर कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने बताया कि हिमाचल में कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है। दूसरी ओर बात करें तो हिमाचल आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की गारंटी दी है। वहीं पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकाल में ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हुई और कांग्रेस ने बिना विरोध इस फैसले को मान लिया। प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता में कहा कि पंजाब में आप सरकार कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने पर मंथन कर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल की जनता को 10 गारंटियां दी हैं। तो ये हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।